माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ हमारे अभ्यास यानी व्यायाम का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी प्रकार के क्लासेस चलाए जाते हैं, आप बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है वह तत्पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, हमारे हार्ट बीट उसमें बढ़ जाता है और हमारे रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से पूरे शरीर पर होता है, तो मस्तिष्क पर भी होता है। मस्तिष्क पर होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, ज्यादा संख्या में न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और न्यूरॉन्स ज्यादा संख्या में नए नए बनने लगते हैं। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र हो जाता है वो तत्पर हो जाता है, हम एक्शन मोड में आ जाते हैं, ज्यादा क्रिया करने के योग में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार अभ्यास के कारण केंद्रीय नाड़ी संस्थान के सक्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे केंद्रीय नाड़ी संस्थान एक्टिव होगी तो मांसपेशियों का रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, जो हमारा मांसपेशियों की कार्य क्षमता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों जितना हमारा दिमाग एक्टिव होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी है, हमारी मांसपेशियां हैं वो रिएक्शन करती है, कार्य करती है। तो जब हम लगातार अभ्यास करेंगे तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान सक्रिय होगा तो हमारी मांसपेशियों का रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार अभ्यास से केंद्रीय नाड़ी संस्थान के कार्यों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो हमारे अंदर अनलीगल बेकार की एक्टिविटी होती है वो नियंत्रित हो जाती है, यानी कि अनावश्यक गतियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा मन भी स्थिर रहेगा, हमारे शरीर की अनावश्यक गति भी स्थिर रहेगी, या स्थिर नहीं नियंत्रित रहेगी, यानी एक संतुलन में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अब यदि हम लगातार अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपने शरीर को हमेशा एक्टिव मोड में रखेंगे तो हमारे समस्त शरीर संतुलन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की तंत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जो मांसपेशी की तंत्रिकाएं होगी उसमें एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होगा, क्योंकि दोस्तों हमारी मांसपेशियां कब फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी कि कंट्रक्शन होती है यानी कि सिकुड़ती है, तो जब एक्शन पोटेंशियल यानी जो आवेग हमारे तंत्रिका तंत्र से हमारे मांसल्स तक आती हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल आता है और जो उसमें एसिटाइल कोलाइन होता है वो हमारे मांसपेशियों को एक्टिव कर देता है, एक्शन पोटेंशियल दे देता है और हमारी जो मांसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की तंत्रिकाओं जो होती है वह उसमें एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होता है। तो दोस्तों मांसपेशियों जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको मापने की इकाई क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक्शन पोटेंशियल लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की तंत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होगा, तंत्रिकाओं का विकास होगा और तंत्रिकाओं के संवेगों में भी वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार अभ्यास से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे मांसपेशियां जल्दी जल्दी संकुचित होती हैं। तो दोस्तों हमारे जो मांसपेशियां होती हैं जिसको फाइबर होते हैं वो उसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर फाइबर के अंदर जो द्रव भरा रहता है, तो उसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस होती है। क्या होती है? कैल्शियम आयंस, जिसके एक्टिव होने से हमारा मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लगातार अभ्यास से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कैल्शियम आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अभ्यास के कारण खिलाड़ियों के संवेग यानी इमोशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जो हमारा इमोशन होता है वह कंट्रोल यानी नियंत्रण में रहता है लगातार अभ्यास से। नेक्स्ट है व्यायाम के दौरान तंत्रिका मांसपेशी सुगमन के मार्ग जहां से आवेगों के संचरण के कारण थकान देरी से होती है तो किस कारण से दोस्तों ट्रेनिंग। आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लेंगे उतना ज्यादा आप अभ्यस्त हो जाएंगे प्रशिक्षित हो जाएंगे और आप के अंदर देरी से थकान होगी, लैक्टिक एसिड कम बनेगा। थकान होने का कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड कम बनता है, ज्यादा बनता है। ठीक है, तो अभ्यास से क्या होगा, लैक्टिक एसिड देर से बनेगा और देर से थकेंगे। नेक्स्ट है जिसके कारण तंत्रिका मांसपेशी समन्वय में सुधार होता है वो क्या चीज होता है, वो होता है ट्रेनिंग। ठीक है, जितना आप ट्रेनिंग करेंगे लगातार अभ्यास करेंगे जिससे आपकी तंत्रिका मांसपेशी जो है उसमें समन्वय यानी नियंत्रण में रहेगा, संतुलन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किस का सुधार होता है। तो तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किसका सुधार होता है, तो सहनशीलता और प्रदर्शन का यानी कि एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस का डेवलप होता है। नेक्स्ट है लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में वृद्धि होती है, तो मांसपेशियों में जो कैल्शियम धनायन होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है लगातार व नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप तंत्रिका से तंत्रिका युग्मन पर समन्वय में क्या सुधार होता है, तो इसमें क्या होता है कि तंत्रिका आवेगों व उत्तेजना में कमी आती है। नेक्स्ट है लगातार अभ्यास से रक्त की मात्रा पर किस प्रभाव पड़ेगा, तो रक्त पर कोई परिवर्तन न होना यानी इसमें रक्त में उतना परिवर्तन नहीं होगा बट इसकी जो समस्त शरीर में रक्त को भेजने का जो सर्कुलेशन है वह स्पीड जो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एवं व्यायाम से खिलाड़ी के मस्तिष्क की स्मृति क्षमता व स्वास्थ्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारी स्मृति क्षमता है स्वास्थ्यता है फिटनेस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि हमारे एक्सरसाइज यानी अभ्यास का ट्रेनिंग का हमारे तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।